नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंपटीशन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं शुभम शर्मा रायपुर ब्रांच से आप सबका स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमने इससे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हुए थे, जो कि हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था HR पब्लिकेशन के हरिराम सर के द्वारा जो संग्रहित बुक है, इससे वह क्वेश्चंस लिए गए थे और इसी का मैं पार्ट टू लेके आया हूँ। आपके भारतीय अर्थव्यवस्था के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पार्ट टू आज हम देखने जा रहे हैं। साथ में याद रखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आप HR पब्लिकेशन हरिराम सर की यह पुस्तक को प्रीफर कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है और आपके आगामी CGPSC और CG व्यापम के एग्जाम्स के लिए, जो होने वाले विभिन्न एग्जाम हैं, उनके लिए यह पुस्तक कारगर सिद्ध होंगी। यह पुस्तक आपको नज़दीकी बुक डिपो में उपलब्ध हो जाएंगी। चलिए तो हम आज अपने सीरीज में आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला गया है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रति दिन 32 रुपए उपभोग व्यय तथा शहरी क्षेत्र में 47 रुपए प्रति दिन प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय गरीबी रेखा का निर्धारण किसने किया है। यानी कि पूछा गया है कि गरीबी रेखा का निर्धारण कौन से समिति के द्वारा किया गया है। ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके प्रोफेसर SG तेंदुलकर समिति, ऑप्शन बी दिया हुआ है प्रोफेसर C रंगराजन समिति, ऑप्शन डी सी दिया हुआ है आपका डॉक्टर मोंटिल सी अहुलिया समिति, ऑप्शन डी दिया हुआ है श्री यशवंत सिन्हा समिति और ऑप्शन ई दिया हुआ है आपका डॉक्टर विमल जलान समिति। तो याद रखिएगा, गरीबी के निर्धारण के लिए पूछा गया है, तो अगर जो गरीबी के निर्धारण के आयाम की बात करेंगे, तो याद रखिए आयाम की हम बात करते हैं, तो आयाम में यह बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में दो आयाम दिए गए हैं। शहरी क्षेत्र में, अगर शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र की बात करेंगे, तो ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपीस की बात किया है और शहरी क्षेत्र में 47 रुपीस की बात किया है। 47 रुपीस, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, जो कि 47 रुपीस है शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र की, यह आयाम सी रंगराजन समिति के द्वारा दिया गया है। सी रंगराजन समिति ने ये आयाम दिए हैं, ठीक, और इन्होंने गरीबी रेखा का आकलन किया है। अगर आप 32 रुपए और 47 रुपए प्रतिदिन खर्च करते हैं तो आप गरीब नहीं कहलाएंगे, अगर इससे कम खर्च करते हैं तो आप गरीब कहलाएंगे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सी रंगराजन समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा गया है अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके स्वैच्छिक निष्क्रियता, ऑप्शन बी दिया हुआ है आय में असमानता, ऑप्शन सी दिया हुआ है सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव और ऑप्शन डी दिया हुआ है लोगों में वृद्धि का अभाव। तो अगर इसकी बात करेंगे, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, हम एक फैक्ट देख लेते हैं, तथ्य देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आंसर की ओर जाएंगे। देखिए, आय की असमानता, उसका राइट आंसर होगा आय की असमानता, लॉरेंज वक्र से समझते हैं, यह आय की असमानता को बताता है। याद रखिएगा, लॉरेंज वक्र में अगर बात करेंगे तो आय की असमानता को यह दर्शाता है और इसमें बताया गया है कि आय की असमानता रहती है तो यह विकसित देशों के लिए कार्य करता है। विकसित देश जो रहेंगे उन देशों में यह कार्यरत रहेंगे, आय की असमानता, और साथ में यह सापेक्ष गरीबी को बताता है। किसको बताता है? सापेक्ष गरीबी को बताता है, याद रखिएगा, सापेक्ष गरीबी को। यह वक्र बताता है, यह आदर्श वक्र की अवधारणा देता है, आदर्श वक्र की अवधारणा देता है लॉरेंज वक्र। और इसमें बताया गया है कि ये जो लाइन आपको दिख रहा है यह लाइन 45 डिग्री में है। अगर 45 डिग्री में है तो याद रखिएगा, आय में समानता को दर्शाया जाता है कि आय समान है, सभी वर्ग में आय जो है वो क्या है, समान रूप से वितरित हुई है। और साथ में अगर यह वक्र, ये 45 डिग्री है, ये आप जानते हैं 45 डिग्री है, और अगर यह नीचे हो जाता है या झुक जाता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ये वाला लाइन झुका हुआ है, यानी कि ये 30 डिग्री में या 35 डिग्री में आ जाता है, तो दोस्तों आय में असमानता हो जाती है। देखिए, तीन
3% इनकम जो है वो कितने में बट रही है, 4% जनसंख्या में बट रही है, जबकि इसमें क्या था 2% दो में ही बट रही थी। ऐसे आय में असमानता आ जाती है और आय की असमानता को किसमें दर्शाया जाता है, आपका लॉरेंज वक्र से दर्शाया जाता है, और साथ में इसका कैलकुलेशन गिनी गुणांक के द्वारा होता है। इसमें याद रखिएगा आय की असमानता विकसित के साथ में अल्प विकसित देशों में भी पाया जाता है, अल्प विकसित देश भी इसके लिए पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, अब अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन की अगर बढ़ेंगे तो ध्यान देखिएगा, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है, आय की असमानता अल्प विकसित देशों के गरीबी का मुख्य कारण है, क्योंकि एक वर्ग जो संपन्न वर्ग है उसमें आय का केंद्रीकरण होता है और बाकी वर्ग में आय नहीं पहुंच पाते जितना पहुंचना चाहिए, और आय में असमानता ही गरीबी का मुख्य कारण होता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कथन बोलता है ए, मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से केरल प्रथम स्थान पे है, और कारण बोलता है आर कि इसकी बेरोजगारी दर देश में उच्चतम है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर पूछा गया है, ऑप्शन नंबर ए बोलता है ए तथा आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी बोलता है ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी बोलता है ए सही है परंतु आर गलत है, और ऑप्शन डी बोलता है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इधर मैंने बताया है जो मार्च का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, तो याद रखिएगा इसमें मैं बता देता हूं कि आप याद रखिए एच, आप याद रखिए आर, और आप याद रखिएगा एस। एच फॉर हरियाणा, ठीक, हरियाणा में सर्वाधिक अनएम्प्लॉयमेंट है, इसके बाद राजस्थान आता है और इसके बाद सिक्किम आता है, याद रखिएगा सिक्किम आता है, ठीक है। फर्स्ट, ये टॉप 3 स्टेट है जहां सर्वाधिक बेरोजगारी पाई जाती है, और इसके बाद अगर बात करेंगे तो न्यूनतम बेरोजगारी की, तो छत्तीसगढ़ आता है आपका, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा आता है, और उड़ीसा के बाद आता है आपका उत्तराखंड। ये तीनों में सर्वाधिक कम बेरोजगार पाए जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से याद रखिएगा केरल की बात किया है, केरल में 6.7 पाया जाता है, और 6.7 जो बेरोजगारी पाई जाती है ये भी उच्चतम राज्य जो है उसमें आता है, ठीक। और ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से केरल प्रथम स्थान पे है, ठीक है, यानी कि यहाँ क्या है, संसाधन जो है शिक्षा स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा वो बहुत ही अच्छा है बोला गया है, इसकी बेरोजगारी दर देश में उच्चतम है, तो उच्चतम तो है, उच्चतम राज्यों में आता है, लेकिन इसका मानव विकास सूचकांक से क्या कोई भी संबंध नहीं है, तो इस कारण इसका आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ए तथा आर दोनों सही है, याद रखिएगा, क्योंकि केरल भी केरल की जो बेरोजगारी दर है 6.8 वो लगभग 7 से 8 स्टेट के बीच में आ जाता है टॉप 10 में, इस कारण उच्चतम राज्यों में माना जाता है, ठीक, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी, यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया है, किसने अभिनिश्चित किया है, तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए बोला गया है एम जी रनाडे ने, ऑप्शन नंबर बी सर डब्ल्यू सी हंटर ने, ऑप्शन नंबर सी आर सी दत्त ने, और ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी ने। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। अब दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ जान लेते हैं, तो देखिएगा जो जानने लायक बातें हैं उसमें ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस के उदारवादी एवं नरम पंथ के नेता थे दादा भाई नौरोजी, धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था इन्होंने, ठीक है, और एक मुख्य अवधारणा दिया था, मैं धर्म और जाति से परे एक भारतीय हूं, यानी बोला गया था कि आई एम अ इंडियन हूं, ठीक, साथ में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक थी, और इसी पुस्तक में इन्होंने अवधारणा दिया था, याद रखिएगा, कि पर कैप्चा इनकम प्रति व्यक्ति आय, भारत की प्रति व्यक्ति आय 1868 के दौरान में 20 रुपए है, यह बताया था इन्होंने, कितना रुपए है 20 रुपए है ये बताया था, ठीक है। इनके द्वारा समाचार पत्र निकाला गया था जिसका नाम क्या है जी, तो रास्ता गफ्फार है, जो कि साप्ताहिक था, कांग्रेस के अध्यक्ष ये 3 बार बने हैं, ठीक है। पारसी धर्म का आंदोलन हां नुमाई में इन्होंने क्या किया है जी आपका सहभागिता दिया है, साथ में ब्रिटिश संसद के लिए ये निर्वाचित होने वाले प्रथम एशियाई थे,
कौन से पार्टी से? लिबरल पार्टी से। ठीक, तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। ठीक, इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो निम्नलिखित में से क्या आय के वितरण को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन दिया है लेफर कर्व, ऑप्शन बी दिया है आपका एंजिल्स लॉ, ऑप्शन सी दिया है आपका गिनी लॉरेंज कर्व और ऑप्शन डी दिया है आपका फिलिप्स कर्व। तो अभी मैंने आपको बताया है जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि गिनी लॉरेंज कर्व जो है ये आय की असमानता को बताता है। अगर वो 45 डिग्री में है तो आय समान है, और अगर वो 45 से कम है यानी कि 30 में है या 35 में है या 25 में है तो आय में असमानता है। जो इनकम है एक बहुत बड़ी जनसंख्या में बटेगी, आय जो है ये बहुत बड़ी जनसंख्या में बटती है और आय की असमानता है। ये सापेक्ष गरीबी के लिए यह विधि है, सापेक्ष गरीबी इसी के द्वारा गणना की जाती है और देखा जाता है कि विकसित और अल्प विकसित देशों में आय में कितनी असमानता है और उससे गरीबी का आकलन किया जाता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, सी इज राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन दिया है कच्ची सामग्रियों के प्रयोग से, ऑप्शन बी दिया है आर्थिक गतिविधियों के स्वरूप से, ऑप्शन सी दिया है उद्यमों के स्वामित्व से और ऑप्शन डी दिया है रोजगार की शर्तों से। तो इसको समझिएगा, ये बहुत आसान है। आपका पूछा गया है किसको जी? सार्वजनिक क्षेत्र को, सार्वजनिक क्षेत्र को। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र को पूछा गया है। किसको पूछा गया है? निजी क्षेत्र को पूछा गया है। तो अगर निजी क्षेत्र की हम बात करेंगे और सार्वजनिक क्षेत्र की बात करेंगे तो इसमें अगर ध्यान रखिएगा कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है इसमें सरकार का स्वामित्व होता है और निजी क्षेत्र है इसमें निजी कंपनी का स्वामित्व होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा सरकार का स्वामित्व तभी होगा जब सरकार के पास उस कंपनी का 51% या उससे अधिक शेयर हो, 51% या उससे अधिक शेयर हो तो उसमें सरकार का अधिपत्य माना जाएगा। और अगर निजी क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो इसमें ध्यान रखिएगा अगर निजी क्षेत्र के पास उस कंपनी का 51% शेयर हो या 100% शेयर हो तो वो क्या माना जाएगा? आपका निजी क्षेत्र की कंपनी मानी जाएगी। इसी में ध्यान रखिएगा कि अगर सरकार का 51% से अधिक शेयर है तो वो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कहलाती है और निजी क्षेत्र में वो निजी क्षेत्र की ही कंपनी कहलाती है, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी कहलाती है और ये गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी कहलाएगी। ठीक है, इसी में याद रखिएगा, आपको एग्जांपल देके मैं क्लियर कर देता हूं कि यह जो है ये स्वामित्व के आधार पे निर्णय लिया जाता है कि कंपनी निजी क्षेत्र का है या फिर सार्वजनिक क्षेत्र का है। इसी में याद रखिएगा, एग्जांपल में बता दूं कि सरकारी क्षेत्र की आप एक कंपनी को जानते हैं जो छत्तीसगढ़ में क्या है आपका निवासरत है, बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट। ये सहकारी क्षेत्र की कंपनी है, सरकारी क्षेत्र की कंपनी है, सरकार का इसमें 51% से अधिक शेयर है। ठीक है, अंश है। और जो कि निजी क्षेत्र में आप जानते हैं सब चलाते हो जी, क्या चलाते हो? जियो का मोबाइल और सिम चलाते हो। यह मुकेश अंबानी जी की कंपनी है और यह एक निजी क्षेत्र की कंपनी है जो आपको सुविधा प्रोवाइड कर रही है। 100% शेयर जो है, अंश जो है वो मुकेश अंबानी जी के पास है। ठीक, तो मुकेश अंबानी इसके क्या है जी? स्वामी है, मालिक है। और वैसे ही सार्वजनिक क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो मालिक कौन है? गवर्नमेंट है, सरकार इसके मालिक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो याद रखिएगा उद्यमों के स्वामित्व के आधार के पे, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसमें देखते हैं क्या बोला गया है। एक उद्योग का अध्ययन विषय वस्तु है, यानी कि उद्योग का अध्ययन आप कैसे करेंगे अगर एक उद्योग का अध्ययन करना है अर्थशास्त्र में? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहला माइक्रो अर्थशास्त्र, दूसरा दिया हुआ है आपका मैक्रो अर्थशास्त्र, तीसरा दिया हुआ है आपका माइक्रो या मैक्रो अर्थशास्त्र और ऑप्शन डी या चौथा नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इधर मैंने कुछ बनाया है, इसको ये समझते हैं। टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स
यानी कि अर्थशास्त्र के प्रकार। अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है, विष्टि अर्थशास्त्र और समिष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमी की बात करेंगे और मैक्रो इकोनॉमी की बात करेंगे। माइक्रो इकोनॉमी को विष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है और मैक्रो इकोनॉमी को क्या कहा जाता है, समिष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। याद रखिएगा, माइक्रो इकोनॉमी में एक उद्योग एक व्यवसाय, ठीक है। और साथ में अगर बात करेंगे तो एक व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, और यानी कि आप समझ सकते हैं कि छोटे छोटे इकाइयों का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो माइक्रो इकोनॉमी, छोटे छोटे इकाई या यूनिट का अध्ययन किया जाता है आपका माइक्रो इकोनॉमी में। उसी प्रकार अगर बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमी का, तो याद रखिएगा इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। यानी कि समग्र शैली में अध्ययन किसमें किया जाता है, मैक्रो इकोनॉमी में, और माइक्रो इकोनॉमी में छोटे छोटे इकाइयों में अध्ययन किया जाता है। तो एक उद्योग, एक व्यवसाय, एक व्यक्ति या फिर व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन माइक्रो इकोनॉमी में किया जाता है, और मैक्रो इकोनॉमी में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और समस्त इकोनॉमी का अध्ययन किसमें किया जाता है जी, मैक्रो इकोनॉमी में। एग्जाम्पल तो मैंने दे दिया, एक उद्योग, एक व्यवसाय, एक व्यक्ति, इसमें निकाला जाता है डायरेक्ट देश का नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, ये सब मैक्रो इकोनॉमी की सहायता से निकलता है, जबकि माइक्रो इकोनॉमी की सहायता से एक स्थान में छोटे छोटे इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, ठीक। तो इसका राइट आंसर अब आपको पता चल ही गया होगा, एक उद्योग की बात किया है, एक उद्योग यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, माइक्रो अर्थशास्त्र, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। पूर्ण रोजगार वह अवस्था है जब, ऑप्शन दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए, चक्रीय बेरोजगारी शून्य होती है, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है धर्षणात्मक बेरोजगारी शून्य होती है, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है मौसमी बेरोजगारी शून्य होती है, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है छिपी हुई बेरोजगारी शून्य होती है। तो इसका कॉन्सेप्ट आप समझिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्रीय बेरोजगारी शून्य होती है। यानी कि अगर आप एक उद्योग को छोड़ के दूसरे उद्योग में ज्वाइन करते हैं और आपका डिमांड है, मांग है, और उसके आधार पे आपको तुरंत रोजगार प्राप्त हो जाता है, तो उसी स्थिति को क्या बोलते हैं, चक्रीय बेरोजगारी बोलते हैं। और अगर चक्रीय बेरोजगारी आपकी शून्य है, जो कि चक्र के आधार पर चलता है, एक के जगह दो एक आपको रोजगार प्राप्त हो रहा है, और इस चक्र के आधार पे आपको हमेशा रोजगार प्राप्त हो जाता है, तो उसमें होता है आपको पूर्ण रोजगार की अवस्था प्राप्त हो गई है। इस कारण याद रखिएगा, जब चक्रीय बेरोजगारी शून्य होती है तो पूर्ण रोजगार की अवस्था कहलाती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र को सीमितता या दुर्बलता का विज्ञान किसने परिभाषित किया है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में देखेंगे एडम स्मिथ, ऑप्शन बी दिया है मार्शल, ऑप्शन सी दिया है रॉबिन्स, और ऑप्शन डी दिया है आपका जेके मेहता। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो कि सीमितता या दुर्बलता का विज्ञान की अगर बात करेंगे, तो याद रखिएगा सीमितता या दुर्बलता का विज्ञान के रूप में परिभाषित करने वाले अर्थशास्त्री हैं रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को सीमितता या दुर्बलता का विज्ञान कहा है, और रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को इस प्रकार परिभाषित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है, उचित जोड़ी बनाओ, ठीक है। तो ये कूट में दिया गया है और जोड़ी बनाना है। चलिए देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन ने। पहला पॉइंट बोलता है विदेश से माल मंगाना, ठीक है, और सामने दिया हुआ है प्रतिबंध रहित खुला बाजार, ठीक है। इसके बाद विदेशों में माल भेजना, सामने दिया हुआ है आयात, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सामने दिया हुआ है आपका निर्यात, और विश्व व्यापार संगठन, जिसमें सामने दिया हुआ है इंटरनेशनल मौद्रिक पद्धति। तो याद रखिएगा, ये ऐसे क्वेश्चंस को आप दो ऑप्शन को पकड़ के भी बना सकते हैं। देखिए सीखिएगा, अगर आपको नहीं आता तो विश्व व्यापार संगठन,
ऑप्शन नंबर फोर को हम पकड़ते हैं, विश्व व्यापार संगठन हमको दिख रहा है कि इसका आंसर होगा प्रतिबंधित प्रतिबंध रहित खुला बाजार, तो चार आएगा इसमें, ठीक है। अब इसके बाद अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष दिया हुआ है, हमको दिख रहा है इंटरनेशनल मौद्रिक पद्धति, ये आएगा आपका थ्री, तो तीसरा आ जाएगा इसमें, तो डी में थ्री देख लीजिए, डी में थ्री दिया हुआ है, ठीक है, और फोर में ए दिया हुआ है, डी में थ्री दिया हुआ है, फोर में ए दिया हुआ है, विदेश में माल मंगाना यानी कि ये कहलाएगा आपका आयात कहलाता है, ठीक है, विदेश में माल भेजना ये कहलाता है आपका निर्यात। तो ये हमको दिख गया कि पहले नंबर का बी आएगा, दूसरे नंबर का सी आएगा, तीसरे नंबर का डी आएगा और चौथे नंबर का ए आएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ए इज राइट आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप दो ऑप्शन को पकड़ के भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कूट में आप पकड़ सकते हैं, तो याद रखिएगा कूट वाले क्वेश्चंस सरल होते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है, देख लीजिए सीजी व्यापम एमएसआई 2021 के एग्जाम में आया हुआ है, और ये आगामी जो एग्जाम्स होने वाले हैं उन एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, तो अच्छे से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए और मैं आपको इनके कॉन्सेप्ट भी बताते हुए चलता हूं, जिससे आप अपने एग्जाम्स के लिए तैयार हो पाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, भारत में केंद्रीय बैंक के समस्त कार्यों का निष्पादन कौन सा बैंक करता है, ऐसा पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त ए एवं बी सभी। तो ये भी देखिए सीजी व्यापम के सहायक लेखा अधीक्षक एग्जाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, और यहां से आपको आंसर भी मिल गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। तो याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक जो है, भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना की अगर बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1935 में हुई है, एक अधिनियम के तहत इसकी स्थापना होती है, वह अधिनियम कहलाता है भारत शासन अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई है, जो कि 1935 में आया था। याद रखिएगा बैंक का राष्ट्रीयकरण की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है 1949 में, ठीक है। मुख्यालय की अगर बात करेंगे दोस्तों, मुख्यालय की, तो मुख्यालय इसका मुंबई में है, ठीक है, और याद रखिएगा मुख्यालय के बाद अगर बात करते हैं तो गवर्नर की बात कर देते हैं, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है गवर्नर की बात करें तो वो है आपके वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास जी आपकी वर्तमान गवर्नर है, और याद रखिएगा आपके नोट में इनका साइन रहता है, अच्छे से देखिएगा। और अगर कार्य की बात करें तो याद रखिएगा समस्त बैंकों का क्या करते हैं जी, बैंकों का नियंत्रण करता है, ये नियंत्रण और निर्देशन करता है, नियंत्रण और निर्देशन करने का कार्य करता है, निर्देश देने का कार्य कौन करता है, आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो चलिए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं भारत में केंद्रीय बैंक के समस्त कार्यों का निष्पादन कौन सा बैंक करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज आपका राइट आंसर हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और इसमें देखते हैं निम्नांकित में प्राथमिक उत्पाद है, तो निम्नांकित में प्राथमिक उत्पाद क्या है, तो ऑप्शन ए दिया हुआ है आपका कपास का उत्पादन, ऑप्शन बी दिया हुआ है सूती वस्त्र का उत्पादन, ऑप्शन सी दिया हुआ है शक्कर उत्पादन, और ऑप्शन डी दिया हुआ है आपका लौह एवं इस्पात उत्पादन, लौह एवं इस्पात उत्पादन, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं और हमको पूछा गया है प्राथमिक उत्पाद, तो याद रखिएगा प्राथमिक उत्पाद वह होते हैं जो किससे मिलते हैं जी, प्रकृति से मिलते हैं, ठीक है। यहां मैंने सेक्टर्स को बताया है, हमारे इकोनॉमिक्स को, अर्थव्यवस्था को सेक्टरों में विभाजित किया गया है, तीन सेक्टर में, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर को। प्राथमिक सेक्टर को कृषि क्षेत्र कहते हैं, याद रखिएगा, और यहीं से प्राथमिक उत्पाद मिलते हैं और प्राकृतिक उत्पाद मिलते हैं।
प्राथमिक सेक्टर में आता है एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एवं खनन एवं उत्खनन आता है। सेकेंडरी सेक्टर में आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, विद्युत, गैस और जल आपूर्ति आता है। और तीसरा सेक्टर या तृतीय सेक्टर कहलाता है आपका सेवा सेक्टर कहलाता है, सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अब ऑप्शन से ही इसका आंसर मिल जाएगा। कपास का उत्पादन दिया है जो कि कहां से होता है जी, प्रकृति से होता है, प्रकृति से होता है कपास का उत्पादन, ये प्राकृतिक है। जबकि सूती वस्त्र का उत्पादन, तो कपास से ही तो सूती वस्त्र बनाया जाएगा जी, ठीक है। इसके बाद शक्कर उत्पादन बोलेंगे, तो ये तो गन्ना से बनता है जी शक्कर, ठीक है। गन्ना को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भेजेंगे तब तो आपको शक्कर मिलेगा और आप चाय पियेंगे जी। और लोहा, तो याद रखिएगा लोहा का खनिज मिलेगा पहले, और खनिज से ही तो आप लौह और इस्पात बनाओगे जी, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया, कपास का उत्पादन ही प्रकृति से होता है और आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ए इज राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके आगामी सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और सीजी व्यापम के विभिन्न एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाले एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो इसी प्रकार से मेरा एमसीक्यू सीरीज का पार्ट चलता रहेगा और आप लोग की डिमांड है कि जियोग्राफी का भी एमसीक्यू सीरीज लाएं, तो वो भी आएगा बहुत जल्द, जियोग्राफी का भी एमसीक्यू सीरीज लेके आया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने भारतीय अर्थव्यवस्था के अगले पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊंगा, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।